नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं किडनी रोग में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। किसी व्यक्ति के किडनी यानी गुर्दे में जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसके गुर्दों की कार्य क्षमता कम होने लगती है, यानी समय समय पर रक्त में अवांछित तत्वों को अलग करना तथा रक्त में पानी की मात्रा नियंत्रित करने का जो काम गुर्दे करते हैं उन कामों में कमी होने लगती है, बाधा होने लगती है। ऐसी स्थिति में उचित इलाज और औषधि सेवन करने के साथ ही व्यक्ति को ऐसा आहार लेना बहुत जरूरी हो जाता है जिसके सेवन से किडनी यानी गुर्दे पर दबाव न पड़े और गुर्दों की कार्य क्षमता में कोई कमी न आए। आहार के मामले में विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि ऐसा आहार जरूर लिया जाए कि शरीर को आवश्यक ऊर्जा बराबर मिलती रहे। सुपाच्य स्वास्थ्य वर्धक और संतुलित आहार लेने से जहाँ किडनी में उत्पन्न विकार का बढ़ना रुकता है, वही शरीर का वजन, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा आदि भी सामान्य अवस्था में बने रहते हैं। इस मामले में शरीर की सही स्थिति जानने के लिए रक्त की जांच और किडनी की सोनोग्राफी की जाती है, जिसे रक्त में क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर आदि की स्थिति का पता चल जाता है। और यदि शरीर में कोई विकृति या असामान्य स्थिति हो तो तुरंत उसकी चिकित्सा कर उसे दूर करने की कोशिश शुरू कर दी जाती है। इस तरह गुर्दे की स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सकता है। यदि संभव हो तो स्थिति को ठीक भी किया जा सकता है। गुर्दों में कोई विकार होने से विकृति पैदा हो जाए तो प्रत्येक रोगी के शरीर की लंबाई, वजन और गुर्दों की बची हुई कार्य क्षमता के आधार पर प्रत्येक रोगी की स्थिति और उसकी आवश्यकताएं अलग होती है। अधिकांश रोगियों को तरल पदार्थों, प्रोटीन तथा सोडियम युक्त पदार्थों का सेवन चिकित्सक द्वारा निर्देशित मात्रा में ही करना जरूरी होता है। कुछ रोगियों को तो पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम युक्त पदार्थों का भी सीमित मात्रा में ही सेवन करना जरूरी होता है। हर रोगी के लिए अनुकूल और उचित आहार किन किन पदार्थों वाला होगा और कौन कौन से पदार्थों वाला नहीं होगा, इसका निर्णय और निर्देश सिर्फ एक कुशल और अनुभवी चिकित्सक ही दे सकते हैं, जो कुशल आहार विशेषज्ञ भी हों। साथ ही यह रोगी का भी परम कर्तव्य है कि ऐसे आहार संबंधित निर्देशों और नियमों को सख्ती से पालन करे। सिर्फ दवा इलाज के भरोसे पर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि निर्देशित नियमों का पालन न करने पर दवा इलाज का भी पूरा और आवश्यक असर नहीं हो सकेगा। इस वीडियो के माध्यम से उचित आहार के पदार्थ और त्यागने योग्य आहार के पदार्थों के विषय में विस्तार से चर्चा न करके सिर्फ कुछ सामान्य बिंदुओं पर ही प्रकाश डाला जा रहा है, ताकि जब आपका चिकित्सक या आहार विशेषज्ञ आपको आपकी स्थिति के अनुकूल आहार संबंधी सलाह दे तो आपको समझने में आसानी होगी। विस्तार से चर्चा करना इसलिए संभव नहीं है कि गुर्दों की जैसी स्थिति हो उसकी जांच कराकर स्थिति की सही सही जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार ही आहार द्रव्यों का चुनाव किया जाता है, और यह चुनाव रोगी की जांच कराकर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सक या आहार विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, और तभी ऐसा संतुलित आहार लेने की सही सलाह दी जा सकती है। किडनी रोग में खान पान और परहेज। गुर्दे के पुराने रोगी के लिए सामान्य निर्देश। जो लोग डिब्बा बंद पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें पैकिंग पर लगे लेबल को पढ़ने की आदत रखना चाहिए और लेबल पर दिए गए घटक द्रव्यों के नाम जरूर पढ़ना चाहिए। यदि इन नामों में सोडियम यानी नमक या मोनोसोडियम नाम हो तो इस पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह संसाधित पनीर, डिब्बा बंद अचार, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। अपने भोजन में ऊपर से नमक डालने की आदत छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय स्वाद के लिए नींबू और अन्य मसालों का उपयोग करना चाहिए। प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा कितनी भी हो या प्रोटीन का सेवन बिल्कुल ही ना किया जाए, इसका निर्णय रोगी की स्थिति को देखकर अच्छा आहार विशेषज्ञ ही उचित सलाह दे सकता है, और वह यह भी बता सकता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम मात्रा में प्रोटीन किन पदार्थों से और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्यादातर लोगों की जानकारी और धारणा यह होती है कि मांस, मछली, दूध से बने पदार्थों में प्रोटीन होता है, पर शायद यह जानकारी उन्हें नहीं होगी कि अनाज और फलीदार सब्जियों में भी प्रोटीन होता है। तरल पदार्थ। गुर्दों के रोगी को तरल पदार्थों का सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। पानी के अलावा अंगूर, संतरे, सेब, गन्ना, मौसमी, सलाद भी तरल पदार्थ में आते हैं, क्योंकि इनमें जल की मात्रा बहुत होती है। जो खाद्य पदार्थ कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहते हैं, जैसे सूप, आइसक्रीम आदि भी तरल पदार्थ ही माने जाते हैं। इन सब का सेवन चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। फास्फोरस।
फास्फोरस युक्त पदार्थों का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। सामान्यतः इसकी सीमित मात्रा 800 से 1000 मिलीलीटर प्रतिदिन होती है, इससे ज्यादा नहीं। दूध से बने पदार्थ जैसे दूध, दही, आइसक्रीम का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। गिरी वाले फल, मटर, मूंगफली, फलियां, मसूर और पेय पदार्थों में बियर, कोको और कोला का सेवन नहीं करना चाहिए। पोटेशियम, सादे नमक के स्थान पर किसी दूसरे नमक के उपयोग के बारे में अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। कुछ रोगियों के मामले में पोटेशियम को भी बहुत कम मात्रा में लेना जरूरी होता है। बाजार में मिलने वाले नमकीन पदार्थों में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनका सेवन वर्जित है। परहेज का ध्यान रखने के साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि शरीर दुबला व कमजोर ना हो तो अपने आहार में सादा, सुपाच्य और ताजा भोजन लेना चाहिए, जिसमें गेहूं, मक्का से बनी रोटी और हरी सब्जियां हों, कोई दाल ना हो और नाश्ते में नमकीन बिस्किट, चिप्स और कोई तला पदार्थ ना हो। भोजन और नाश्ता हमेशा निश्चित समय पर करना चाहिए और खूब अच्छी तरह चबा चबा कर, यानी प्रत्येक कोर को 32 बार चबा कर खाना चाहिए। यदि रोगी के शरीर का वजन ज्यादा हो तो आहार में कैलोरीज की मात्रा कम कर देना चाहिए और शारीरिक परिश्रम एवं व्यायाम अवश्य करना चाहिए। यदि रोगी मधुमेह से पीड़ित न हो तो वह आहार में कैलोरी वैल्यू बढ़ाने के लिए शहद और शक्कर का सेवन कर सकता है। खाद्य तेलों में जैतून, करडी और सूरजमुखी तेल का उपयोग करना उचित रहता है और सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।